मैंने वॉच टाइम और सब्सक्राइबर बाय किए थे। मिक्स कंटेंट भाई मत अपलोड करो, ये चीज़ मैंने पहले भी बताया है। अगर किसी मूवी या शो के क्लिप्स यूज़ करते हो तो फिर भाई तो गाइस काफ़ी टाइम लग जाता है हमें 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करने में। एंड उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि भाई अब जो है मोनेटाइजेशन के लिए हम अप्लाई करेंगे और उसके बाद हमारा चैनल हो जाएगा मोनेटाइज, जिससे हम अर्निंग करना शुरू करेंगे। लेकिन जब हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई हमारा जो मोनेटाइजेशन है वो यूट्यूब ने रिजेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे बहुत सारे रीजन होते हैं मोनेटाइजेशन रिजेक्शन की, तो मैं उन्हीं रीजंस के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखना गाइस, ताकि आपका चैनल जो है वो एक ही बार में मोनेटाइज हो जाए। अब गाइस होता क्या है, स्टार्टिंग में जब न्यू यूट्यूबर्स क्रिएट करते हैं चैनल, जब उनके चैनल पे व्यूज नहीं आते, जब उनके चैनल पे वॉच टाइम नहीं आता, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं, तो वो लोग दिमाग लगाते हैं कि भाई कि वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स खरीद लेते हैं, एक बार मोनेटाइज हो जाए चैनल, उसके बाद हम लोग इस पर कॉन्टेंट अपलोड करेंगे और धीरे धीरे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। एंड ये सबसे बड़ी गलती होती है न्यू यूट्यूबर्स की। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्रोवाइड भी कराते हैं कि आप सब्सक्राइबर इतने पैसे में ले सकते हो या वॉच टाइम इतना कंप्लीट कर सकते हो इतने पैसे देकर, लेकिन गाइस ये यूट्यूब पे फेक एंगेजमेंट बढ़ाने का तरीका होता है। सो गाइस ये एक सबसे बड़ी गलती होती है, या तो वॉच टाइम खरीद लेते हैं या तो सब्सक्राइबर्स खरीद लेते हैं, नहीं तो सब फॉर सब करते हैं, यानी एक दूसरे का चैनल सब्सक्राइब करते हैं, अपनी वीडियो को बार बार वॉच करते हैं वॉच टाइम बढ़ाने के लिए या व्यूज बढ़ाने के लिए। तो ऐसे अगर काम कर रहे हो तो बिल्कुल भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। यूट्यूब का ये बहुत ज्यादा एडवांस है गाइस, वो तुरंत पकड़ लेगा कि आपने ये वॉच टाइम या ये सब्सक्राइबर्स कहां से लाए हैं। तो इसलिए बहुत सारे जो चैनल वो मोनेटाइज नहीं हो पाते हैं इस रीजन की वजह से। एंड यहां पे एक और बात मैं बताना चाहूंगा गाइस, स्पेशली न्यू यूट्यूबर्स को, उन्हें एक गूगल एड्स का मेथड पता होता है कि गूगल एड्स पे पैसा लगाओ, अपनी वीडियो को प्रमोट करो, उसमें वॉच टाइम आता है, सब्सक्राइबर्स आते हैं, फिर हम चैनल मोनेटाइज करा लेंगे। मैं आपको बता दूंगा गूगल एड्स से जो आपको सब्सक्राइबर्स मिलते हैं वो तो काउंट होते हैं, लेकिन जो वॉच टाइम आता है वो काउंट नहीं होता है। अगर आप गूगल एड्स पे पैसे लगा के 4000 घंटे कंप्लीट भी कर लेते हैं तब भी जो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं किया, तो गूगल एड्स पे पैसा लगाना लेकिन सोच समझ के लगाना कि आपको उससे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बाद ही इस पे पैसा लगाना। क्योंकि गाइस मैंने भी स्टार्टिंग में एक दो वीडियो पे पैसा लगाया था, बट जैसे ही मैंने उस पे पैसा लगाना बंद किया उस पे एक भी व्यू एक्स्ट्रा नहीं आया। तो इससे कोई फायदा नहीं है पैसा लगाने से, कि अगर आपको ये लग रहा है कि आप पैसा एक बार लगा दोगे उसके बाद व्यूज आते रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। मैंने ये बहुत ट्राई किया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है वो होता है थीम का, यानी आपके चैनल का थीम क्या है, यानी आपका जो चैनल है वो किस टॉपिक पर आप उस पर वीडियो बनाते हो, यानी कौन सा निश्चय कौन सा कैटेगरी है आपका जिसके ऊपर आप काम करते हो। तो कोई एक थीम होना जरूरी है, यानी कोई एक मेन थीम होनी जरूरी है जिसके ऊपर आप वीडियोस क्रिएट करें। मिक्स कॉन्टेंट नहीं होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया इसके बहुत सारे नुकसान है। एंड सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होता है यूट्यूब पे। मिक्स कॉन्टेंट क्या होता है, मिक्स कॉन्टेंट ये होता है कि जैसे कि आज एजुकेशन की वीडियो बना दी, कल आपने कुकिंग की वीडियो बना दी, परसों प्रैंक की बना दी, उसके बाद रोस्ट की बना दी, उसके बाद कॉमेडी कर रहे हैं, यानी कोई एक कैटेगरी पर आप काम नहीं कर रहे हैं, मिक्स अपलोड किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपके चैनल का कोई थीम ही नहीं है। तो थीम भी चेक किया जाता है जब यूट्यूब चैनल रिव्यू में जाता है। तो उसके बाद आते हैं गाइस अपने तीसरे पॉइंट पे, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट भी है, वो है रीयूज कंटेंट। रीयूज कंटेंट में 70% चैनल जो है वो फंसते हैं मोनेटाइजेशन रिव्यू में। रीयूज कंटेंट का मतलब ये होता है कि किसी और का कंटेंट आप दोबारा यूज कर रहे हैं अपने चैनल पे, यानी यूट्यूब पे पहले से ही वो कंटेंट पड़ा हुआ है या किसी और प्लेटफॉर्म पे वो कंटेंट पड़ा हुआ है, वो वीडियो पड़ी हुई है, उसी को आप दोबारा यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, तो वो आ जाता है गाइस रीयूज कंटेंट पॉलिसी में। एडसेंस की पॉलिसी है रीयूज कंटेंट पॉलिसी, जिसके अंतर्गत आपका चैनल अगर रीयूज कंटेंट में आया तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है गाइस, अगर आप 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 4000 घंटे हो गए हैं और आपने इन तरीकों को यूज़ नहीं किया है या ये सारी गलतियां नहीं किए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका चैनल एक बार में कंप्लीट पास कर दिया जाएगा। क्योंकि भाई अगर एक बार आपने चैनल मोनेटाइजेशन में भेजा और रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद 30 डेज वेट करना पड़ेगा। अगर 30 डेज के बाद दोबारा कोई गलती पकड़ी गई आपके चैनल पे तो फिर वो 90 डेज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फिर 3 महीने बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे मोनेटाइजेशन के लिए। तो 3 महीने का गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है काम करते करते, और यूट्यूब पे आपको काम करना ही पड़ेगा 3 महीने तक। क्योंकि अगर आप 3 महीने ये सोच के बैठ जाओ कि भाई जब चैनल मोनेटाइज होगा तभी काम करेंगे, तो आपके चैनल की रीच जो है वो घट जाएगी, यानी आपके चैनल पे व्यूज आने कम हो जाएंगे। भाई बढ़िया यही है कि जेन्युइन तरीके से काम करो, ऑथेंटिक तरीके से काम करो, मोनेटाइज हो जाएगा आपका चैनल, कम पैसे आएंगे स्टार्टिंग में वो ठीक है, लेकिन कोई गलत काम मत करो। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।